बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। आइए शुरू करते हैं। इसमें 1 कप ऑयल लेंगे, ये तकरीबन 1 कप आ गया। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये 1/2 kg चिकन की रेसिपी है। ये लाइट लाइट गोल्डन कलर हो चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। बड़ी 3 प्याज ब्लेंड की थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 3 ये बड़ी प्याज है, ये चलिए अंदर। ये 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हल्की जब प्याज जब गोल्डन हो जाएगी तो उसमें 2 टेबल स्पून का हम लोग पेस्ट भी शामिल कर देंगे। जब अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो उसके अंदर हम लोग 1 टेबल स्पून, ये वाला अगर आपको दिख रहा हो तो ये जिस तरीके के पैमाने होते हैं ना, 1 टेबल स्पून ये काली मिर्च और ये 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च। इसके साथ हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे। हम लोग शुरू आँच पे ही फ्राई करना है। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो इसके अंदर हम लोग चिकन अब ऐड कर देंगे, जो हमने पहले चिकन को लाइट ब्राउन किया था। ये चिकन ऐड हो चुका है। चिकन इसमें तकरीबन 5 मिनट और हल्की आंच पे पकेगा। इसको पकते पकते 5 मिनट हो चुकी है। यहाँ जब यहाँ तक हो जाएगा, 5 मिनट हो जाएगी, जब इसके बाद फिर हम लोग क्रीम डालेंगे। ये 1/2 कप है क्रीम का। कभी भी क्रीम और दही डालें, चूल्हे की जो क्रीम है वो स्लो कर दें। ये 1/2 कप दही चला गया। दही और क्रीम को अच्छी तरह हिलाने के बाद फ्लेम को जो है ना फुल कर दिया जाए। ये 1 टेबल स्पून नमक, अच्छा नमक जो है वो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। जिसको नमक ज़्यादा खाना हो वो ज़्यादा कर दें और जो कम खाना हो कम करें। आखिरी में जो है ना गरम मसाला ऐड किया जाए, उसकी वजह ये होती है कि जो गरम मसाला हम लोग शुरू में डाल देते थे उसकी खुशबू सारी जगह चली जाती है। तो आखिरी में डालने का मकसद यही होता है कि खुशबू जो है वो बरकरार रहे। जब तेल ऊपर आने लग जाए, ये दिख रहा होगा तेल ऊपर आ गया तकरीबन, जब तेल ऊपर आने लग जाए तो 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करें ना। ये गरम मसाला इसमें ऐड कर लिया। इसका आप थिकपन चेक कर लें, ये इस तरीके का होगा। एक बड़े नींबू का जूस इसमें ऐड कर देना। देखें माशाल्लाह क्या, ये हल्की सी चॉप जो ग्रीन मिर्ची है वो भी हल्की सी ऐड कर दो। हम इसको खाएं और फ्राई करें। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त। चले इंशाल्लाह इसको आप बनाएं और खाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।